क्वेश्चन है हमारे पास, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड द नेम ऑफ फोर पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। इन ईच केस इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड विच एज इलेक्ट्रोफाइल। देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोपेनल गिवन है और एक ब्यूटेनल गिवन है, और बोल रहे हैं कि इनसे कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के, इनका स्ट्रक्चर बनाना है और इनके नेम लिखना है। तो पहला काम है हमारा, पहले तो हमें यह समझना है कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। बेटे क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है? तो यहां पे हम मैकेनिज्म नहीं सीखेंगे, खाली हम यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एल्डोल कंडेंसेशन पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, ऐसे एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, जैसे जैसे मैं बना लेता हूं, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट बगल में जो दूसरा कार्बन है ये अल्फा पोजिशन है। कैसी पोजिशन है बेटे, अल्फा पोजिशन। इस पे लगे हुए जो हाइड्रोजन होंगे इनको कहते हैं हम क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे कंपाउंड्स देंगे जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है? तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। इसके हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इस तरीके से हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, कह लिया हमने डाइल्यूट NaOH। अब देखो इसमें मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म तो नहीं समझा रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि बनेगा कैसे प्रोडक्ट। तो आप ऐसे समझो सिंपली कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और इस पे O नेगेटिव हो जा रहा और ये H शिफ्ट हो जाएगा इस पे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा मिलेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये O था, इस पे आ गया कौन, H आ गया, इस पे क्या आ गया, H आ गया अल्फा हाइड्रोजन वाला, ठीक है? अच्छा एक एच तो था ही, एच एच और ये, ठीक है? तो ये देखो ये क्या आ गया, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये कैसा है, ये है एल्डोल। क्या है बेटे एल्डोल, क्यों है एल्डोल, क्योंकि ये यहाँ पे OH भी लगा हुआ है, ये अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ है, अल्कोहल भी लगा हुआ है और साथ ही साथ में एल्डिहाइड भी लगा हुआ है, ठीक है? तो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों लगे हुए हैं, इसलिए ये कंपाउंड कैसा है एल्डोल, ठीक है? AL का मतलब एल्डिहाइड, OL का मतलब अल्कोहल। अब अगर हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकल रहा है, यहां का OH आ रहा है और यहां का H चला गया, यहां से एक H गया और यहां से OH गया, और हमारे पास जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, ऐसा ठीक है। तो देखो इसका एक बॉन्ड खाली है, इसका एक बॉन्ड खाली है, ये बन गया, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमारे पास एक प्रोपेनल है और एक ब्यूटेनल है, इससे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं किसके, एल्डोल कंडेंसेशन के। तो ये पहले मैंने आपको समझाया कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या, तो एल्डोल कंडेंसेशन ये होता है, और ध्यान रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास दो एल्डिहाइड्स होंगे, दो मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड्स के, अगर वो सेम एल्डिहाइड सेम होते हैं मॉलिक्यूल्स तो सिंपली एल्डोल, लेकिन अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड्स के तो वो क्रॉस एल्डोल कहलाता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे दो एल्डिहाइड्स लिए, और एल्डिहाइड्स भी ऐसे एल्डिहाइड्स लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है? तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं आगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास है प्रोपेनल गिवन है, क्या गिवन है बेटे प्रोपेनल, तो प्रोपेनल हम इस तरीके से बना लेते हैं, यह है प्रोपेनल, साथ में है ब्यूटेनल,
तो ये हमने यहाँ पे ब्यूटेनल लिख लिया, ये हमने ब्यूटेनल लिख लिया बेटे, क्या लिखा हमने? ब्यूटेनल। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे प्रोपेनल और ब्यूटेनल हमने लिया, साथ में क्या ऐड करना है बेटे? डाइल्यूट डाइल्यूट NaOH, क्या ये लिया हमने साथ में? डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो पहला हमारा कि हमारे पास है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल हमने ये लिख लिया प्रोपेनल। ठीक है, साथ में है ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने ब्यूटेनल, और इसको अल्फा हाइड्रोजन को थोड़ा ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें हम मिलाते हैं डाइल्यूट NaOH, क्या मिलाएंगे? डाइल्यूट NaOH। अब क्या होगा देखो, यहां पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे ओ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा, ये सी प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो अटैक करेगा वो जो एच प्लस आएगा वो इस जगह पे आएगा, मतलब ये कौन हो गया, इसको किसका रिक्वायरमेंट है, इसको जरूरत है किस चीज की? न्यूक्लियोफाइल की। तो ये खुद कैसा होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा वाला क्या होगा यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। और इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3, CH2, ये सी, इस पे क्या आ जाएगा? एच आके लग जाएगा, और ये वाला एच तो नीचे ऐसे ही शो कर देते हैं, और बाकी ये इससे गया था, ये एच इससे गया था, ये एच यहां, तो बचेगा क्या? सी। अच्छा, एक इसका एच भी बचा हुआ है, ये जो दो है वो हमने इस तरीके से लगा लिए, CH2 CH3, ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या है बेटे? इसका नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग देखते हैं, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम? यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, और 1 पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे? इसका नाम हो जाएगा 2-ethyl-3-hydroxy-pentanol। क्या जाएगा इसका? 2-ethyl-3-hydroxy-pentanol। ठीक है, अच्छा अगर इससे हम वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, अगर इसको हम हीट करते हैं और इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल इससे और इससे निकलेगा, इन दोनों से निकलेगा ना। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो क्या होगा? CH3 CH2, ये हो गया, और यहां पे तो एच है ही, CH2 और CH3। ठीक है, तो यहां पे बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया? कंडेंसेशन का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकलना, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकला और ये आपके पास बचा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है, 2 पे इथाइल लगा हुआ है, और पेंट 2 दूसरे नंबर पे इन लगा हुआ है, और लास्ट में एल्डिहाइड है इसलिए अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-2-ethyl-pentene-2-enol। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, जिसमें हमने प्रोपेनल को किसके जैसा यूज करवाया? इलेक्ट्रोफाइल। और ब्यूटेनल को किसके जैसा यूज करवाया? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ऐसा हो जाए कि जो ये ब्यूटेनल है ये किसका काम करे? इलेक्ट्रोफाइल का काम करे, और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करे। तो बना लेते हैं, जरा वही प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहां पे बनाते हैं, इस वाले को अभी आगे लिख लेते हैं, CH2 CH, तो ये हो गया CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, ये हमने अभी ब्यूटेनल इधर लिखा हुआ है। अब प्रोपेनल को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको इस वाले एच को थोड़ा सा ठीक से तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसको, इसमें हम यूज इसमें मिलाएंगे क्या? डाइल्यूट NaOH, क्या मिलाएंगे? डाइल्यूट NaOH मिलाएंगे।
सेम उसी तरीके से जैसा पीछे वाला गया था वैसे ही होगा ये वाला भी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे येला बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह काम करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये काम करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो यहाँ पे हमें एल्डोल मिलेगा, वो मिलेगा CH3 CH2 CH2 COH, एक H इस पे यहां लगा हुआ है, ठीक है। अब ये यहां से हाइड्रोजन गया है तो वो आके यहां पे जुड़ेगा ऐसे, इस पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जुड़ा ना इस वाले पे, अब ये CH3 बच गया तो CH3 ऐसे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटे, इसका नाम लिख लेते हैं हम, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होगा, 6 वाला क्या होता है, 6 वाला हेक्सेन होता है बेटे, क्या होता है, 6 वाला हेक्सेन होता है। तो क्या नाम बनेगा इसका, 2 पे लगा हुआ मिथाइल, 3 पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल हेक्सेनल, ठीक है। अच्छा, अगर इसको भी अगर हम हीट करते हैं, तो इसको अगर हमने हीट किया है तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो किसमें से निकालेंगे, इसमें से ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, ये यहां से निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल, बचेगा क्या हमारे पास प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका एक H रह गया वो मैंने यहां पे लिख लिया, इस पे CH3 इधर लगा हुआ है और इस पे CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेक्स 1 2 2 पे लगा हुआ है इन अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सीन 2 इन अल हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो अभी तक तो हमने दो प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट ये बना और एक प्रोडक्ट ये, अब तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स यूज किए हुए थे, तो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड से जो रिएक्शन बन रहा है ये किस तरीके का है, ये क्रॉस एल्डोल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपेनल क्या किसके जैसा काम कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल, ब्यूटेनल न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ब्यूटेनल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था और प्रोपेनल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। अब कहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि प्रोपेनल प्रोपेनल के साथ ही अगर मिक्स हो जाए या ब्यूटेनल ब्यूटेनल के साथ ही मिक्स हो जाए तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट तो हमने बना लिए कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा प्रोपेनल है। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी अगर प्रोपेनल का ही हो जाता है, ठीक है, अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी अगर प्रोपेनल का ही है, इस तरीके से हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी प्रोपेनल का ही यूज किया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये यहां पे किसके काम, किसका जैसा काम कर रहा है, ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्वेश्चन में हमें ये भी मेंशन करना कि कौन सा एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, कौन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ध्यान कैसे रखेंगे भैया, देखो जिस पे ओ एच लग जा रहा है, जिसपे अल्कोहल ग्रुप आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा, ठीक है, और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रह रहा है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे बनाते हैं इसको, आगे बनाते हैं, तो CH3 CH2, ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे OH, एक H बचा हुआ है इसका, ये वाला H बचा था तो मैंने नीचे के साइड में लिख लिया। अब इससे रिमूव हुआ था हाइड्रोजन तो ये वाला आगे लगेगा यहां पे, और इस पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे ही जुड़ा हुआ है, इसके भी क्या एक H तो जा चुका था, ठीक है, और एक H ऐसा लिख लेते हैं, और एक CH3 बच गया इसका, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, सिंपली इसको आके जोड़ा हुआ है, इस वाले को आके जोड़ा, ठीक है, यहां पे जोड़ रखा है, मतलब इस वाले चीज को, ठीक। चलो अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, यहां से लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो 4 3 पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी
टू पे लगा हुआ है मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। अच्छा अगर इसको हम हीट करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, हीट किया इसको हमने, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल कौन सा, ये OH और ये H वाला निकलेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा CH3CH2, ये वाला C है, यहाँ पे H लगा हुआ है, इन दोनों से रिमूव हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये CH3, ये तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये क्या बेटे 1 2 3 4 5, टू पे क्या लगा है मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 5 वाला है, तो पेंट टू पे लगा हुआ है टीन और एल्डिहाइड है इसलिए एल, ठीक है। तो ये हो गया, अगला था, अगला बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पे तो दोनों मॉलिक्यूल्स किसके यूज किए, प्रोपेनल के, अगर हम दोनों के दोनों पेंटेन ब्रुटेनल के यूज कर लेते हैं, अगर तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे किसके यूज कर रहे हैं, ब्यूटेनल के, डाइल्यूट यानी OH, ठीक है। तो यहां पे ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का और ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो देखो इस पे क्या होगा, इस पे OH आके लगेगा, इस पे OH ग्रुप बन जाएगा, तो CH3 CH2 CH2, इसका H ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा ये वाला आके जुड़ जाएगा इस पे, ध्यान रखना ये वाला कार्बन जोड़ा है मैंने, इसका एक हाइड्रोजन बचा था और इस पे ये वाला ग्रुप बचा हुआ है, ये लिख लिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, ओ सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, ये यहां पे लगेगा, तो ठीक है इसका नाम क्या जाएगा, 1 2 2 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 इथाइल और 3 पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल, हेक्सेनल। अच्छा अगर इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो हीट करके एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा H2O निकलेगा, H2O कौन सा निकला, ये वाला H2O निकल गया यहां से, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना क्या बना बेटे CH3 CH2 CH2, ठीक है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका एक H बचा CH2 CH3, ठीक है ये बनेगा। इसका नाम क्या होगा बेटे, 2 पे लगा हुआ इथाइल, 2 इथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्स, 2 पे लगा हुआ इन और ये एल्डिहाइड था इसलिए अल, इसका नाम क्या जाएगा 2 इथाइल हेक्सीन हेक्स 2 इन अल, ठीक है। तो यहां पे यही पूछा गया था कि जो एल्डोल कंडेंसेशन किस किस के प्रोपेनल और ब्यूटेनल की जब एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो जो चार प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, तो दो तो इससे पहले बनाए थे हमने, दो ये बना लिए, ठीक है। तो एल्डोल की बात की जाएगी तो ये, और एल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ये होता है, ठीक है बेटे।